नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के पावन नवमी एवं विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सभी दुर्गा पंडालों, मंदिरों पर सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाए। ऐसा करने से पर्वों की प्रासंगिकता और उत्साह उमंग कई गुना बढ़ जाता है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में वर्ष में दो बार नवरात्र, वास्तिक और शारदीय के पावन पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सम्मान की सर्वोच्च भावना के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुड़ते हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन की सनातनी परंपरा मातृशक्ति की महत्ता को रेखांकित करती है। यह केवल धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भौतिक जीवन में भी इसकी महत्ता और प्रासंगिकता है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व में दो वर्ष तक कोरोना के चलते आयोजन पर कुछ भी पाबंदियां रही, लेकिन मां भगवती की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया। अब सदी की सबसे बड़ी महामारी काफी हद तक नियंत्रण में है और पर्व धूमधाम से सामूहिकता के साथ मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी के आयोजन में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयोजनों से जुड़े लोगों को भी इसमें अपनी भागीदारी व जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अव्यवस्था, भगदड़ की स्थिति ना हो, किसी के भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, पर्व का उत्साह उमंग कुंद ना हो। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत ढाई वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगत जननी माँ भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहाँ पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहाँ पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो, अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह उमंग के साथ आते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वह सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म सत्य और न्याय की विजय का यह पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय
कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जगत जननी माँ आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दी। आज मंगलवार सुबह नवरात्रि की नवमी पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। कन्या पूजन अनुष्ठान में मंगलवार सुबह सीएम योगी ने मठ के प्रथम तल पर स्थित भोजन कक्ष में श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से पीतल के प्रांत में चांदी के लोटे में भरे जल से 9 कुंवारी कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत दुर्वा का तिलक लगाया और चुनरी उड़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया। आरती उतारी, पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से अधिक कन्याओं व छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। 9 कन्याओं के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना में हुनरमंद युवाओं को स्वरोजगार के लिए इंटर कॉलेज में प्रशिक्षित कराया जाएगा। सीएम योगी की सरकार की पहल पर पहली बार कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को कौशल विकास के 2 पीरियड लगाकर प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके लिए जिले में राजकीय इंटर कॉलेज फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का चयन किया गया है। जिले में मिशन के तहत 5 वर्ष में 5000 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें गैर प्रांत में करीब 1700 लोगों को विभिन्न ट्रेड की कंपनियों में रोजगार मिला। इनमें करीब 1000 प्रशिक्षित युवा व युवती कम मानदेय के कारण वहां से काम छोड़कर वापस आ गए, जिससे युवाओं में बढ़ती कुंठा के मद्देनजर शासन ने अब कॉलेजों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। यह प्रशिक्षण 4 महीने का होगा। कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हुनर सिखाया जाएगा। इसके अलावा जेल में बंद पुरुष व महिला कैदी भी प्रशिक्षित होंगे। सरकार ने स्थिति का आंकलन कर जिला जेल में बंद पुरुष व महिला कैदियों को भी कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित करने का फैसला किया है, ताकि लोग जेल से रिहा होने के बाद अपने हुनर का उपयोग कर सके। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज करवा रहे मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता अस्पताल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत को क्रिटिकल बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट से ICU में दोबारा शिफ्ट किया गया है। मेदांता अस्पताल द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की स्थिति अभी नाजुक है और उन्हें अस्पताल के ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है। यहां एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि 82 साल के मुलायम सिंह यादव का 22 अगस्त से अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें जुलाई में भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।